Team India have been sweating it out as they gear up for the Kabaddi Masters 2018 that begins on 22nd June. And the Indian team management have selected the squad that will represent the country in Dubai. Here's a look at the Dream Team. Not just physical fitness, the Blue Brigade has also been working to enhance their skills on the mat. In this Six Nation tournament, the Indian team is all set to take on arch rivals Pakistan in their opening clash. हाँ बिल्कुल विशेष तैयारियाँ तो मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान के खिलाफ ही कोई विशेष है सभी टीमों के खिलाफ मतलब पूरे तैयार होके ग्राउंड पे उतरेंगे पर जब पाकिस्तान की बात आती है तो उस टाइम पे मतलब सब कुछ भूल के बस यही रहता है कि भाई करोड़ों लोगों की नज़र है इस मैच पे और क्रिकेट में देख लो आप इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच आता है तो टीवी भी टूटते हैं और सब सब कुछ होता है तो वही ये है कि कबड्डी में भी इंडिया पाकिस्तान का मैच आता है तो ये बड़ा ही लोगों की नज़रें रहती हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच जो टीम जा रही है बहुत अच्छी टीम बनाई है सर ने और प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हो रहा है मुझे लगता नहीं पहले इतना हार्ड वर्क कभी किया है इस कैंप में बिल्कुल मैं खुद की बताता हूँ कि इतना हार्ड वर्क चल रहा है ना बस एक जी तो करता है कि यार बहुत हो गया तो बहुत हार्ड वर्क चल रहा है तो जैसे हार्ड वर्क कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हमारी टीम जो कॉम्बिनेशन बनाया है जो रेडिंग पावर है वो एक अच्छे तरीके से खेलेंगे और रेडर तो इंडिया के सबसे बढ़िया है विद कबड्डी बीइंग अ टीम स्पोर्ट द इंडियन प्लेयर्स आर मेकिंग श्योर टू वर्क टुवर्ड्स हैविंग प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑन द मैट अच्छी प्रैक्टिस हो रही है हमारी कंटिन्यू 4-5 महीने हो गए कंटिन्यू प्रैक्टिस हो रही है और हर टीम का एक टारगेट बना के प्रैक्टिस की है हमारे जो कोचिज है उन्होंने हर टीम का एक टारगेट बना बना के ऐसी प्रैक्टिस करवाई है कबड्डी मास्टर्स दुबई 2018 विल विटनेस सिक्स पावर हाउसेस बैटलिंग इट आउट टू क्लिंच द कवेटेड टाइटल बिसाइड्स फेसिंग आर्च राइवल्स पाकिस्तान वर्ल्ड कप चैंपियंस इंडिया विल आल्सो हैव टू फाइट इट आउट अगेंस्ट अदर टफ टीम्स इन द कंपटीशन नोटेबली ईरान एंड द रिपब्लिक ऑफ कोरिया हैविंग सेड दैट द इंडियन टीम इज मेकिंग श्योर दे वर्क बोथ इन अटैक एंड डिफेंस बड़के पूरा हार्ड वर्क कर रहे हैं सभी 28 कैंपर्स एंड हम सभी चार कोचेज हैं और पूरा जी जान से लगे हुए हैं क्योंकि इसके ऊपर हम कंटिन्यूसली जीतते आ रहे हैं और इसका टाइटल को मेंटेन रखना हमारा एक चैलेंज भी है और दूसरी टीमें भी अब आ रही हैं हमने किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए लेकिन जब हम अपनी तरफ से तैयार हैं तो दूसरा कोई भी हो हमसे जीत नहीं सकता हारता तभी आदमी जब तैयारी पूरी नहीं करता यदि हम अपनी तैयारी पूरी करके जाएंगे हम अपने आप को पूरा अच्छी तरह ट्रेंड करके जाएंगे तो दुनिया की ताकत हमें आज नहीं आगे भी कई सालों तक हम हमेशा जीतते रहेंगे हमें कोई इसमें कोई डाउट नहीं The countdown has begun for the Kabaddi Masters. Certainly, when the mighty Indian team takes to the mat, they leave no stone unturned to instill fear in the minds of the opposition.